हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्राचित वर्ल्ड। आज के व्लॉग में आप सभी का खूब सारा स्वागत है। एंड आज का जो व्लॉग है स्पेशली जो भी साड़ी मेरी मम्मी लेके आई हैं उसके ऊपर है। और भी बहुत सारी साड़ियाँ लेके आई हैं, मतलब कि मैं छोड़ के आ गई थी, नहीं लेके आई थी, तो वो साड़ी आ गई है। क्योंकि वैसे ही हम लोग जब आते हैं इतना सारा कपड़ा रहता है, बच्चे रहते हैं, तो नहीं हम लोग उतना पकड़ पाते हैं। और पकड़ने वाले सिर्फ एक ही इंसान है, उसके बाद बच्चे को भी पकड़ना पड़ता है। तो पहले तो दिखा दूँ ये चूड़ी। तो ये चूड़ी मेरे को मम्मी दी है और ऐसा है, लाह का है। तो ये हम लोग तीज वीज में पहन सकते हैं, लेकिन ये ब्लू कलर है। वैसे आजकल तो लोग कोई भी कलर पहन लेता है, लेकिन हम लोग सोचते हैं कि लाल पीला ही रहे तो ज़्यादा अच्छा है, ग्रीन कलर भी अच्छा है। ये पीकॉक ब्लू है, इसको बोलते हैं पीकॉक ब्लू। ये ना लाह एक में एक सटा हुआ है, ऐसे हो गया। चलिए, तो ऐसे इस कलर है। तो आप लोग अब समझ गए होंगे कि मैं कौन सी साड़ी की बात कर रही हूँ। इसके साथ साथ ही मुझे रिसीव हुआ है, रिसीव नहीं हुआ है, मुझे मिला है एक साड़ी मेरी मम्मी तरफ से। लाह की चूड़ी मिलना या ख़रीदना बहुत अच्छा होता है, पहनना बहुत अच्छा होता है हमारे यहाँ पे। और पहले तो ऐसा होता था कि लाह की चूड़ी लहठी वगैरह पहन के ही शादी होता था, बट अब ऐसा है कि लोग कोई भी कलर पहन लेते हैं। तो यहाँ पे जो है ये एक साड़ी मुझे मम्मी की तरफ से मिला है। तो पहले मैं आपको दिखा दूँ कि ये साड़ी कैसे दिखता है। ये साड़ी ऐसा ही है, पीकॉक ब्लू टाइप के कलर का, इस कलर का। तो चूड़ी और साड़ी एकदम सेट मिल गया। और इसका ब्लाउज जो है मुझे ऐसा लगता है रेड कलर है, रेड नहीं है, ये रानी टाइप का कलर है, रेड रानी ऐसे टाइप का। तो ये मैं चिप्स जैसा पैक रहा क्योंकि पैक था ट्रॉली में, इसको मैं सिलवाऊंगी बहुत जल्दी। इसके ऊपर ना, मतलब ये थोड़ा सा वैसा नहीं है, जॉर्जेट वॉर्जेट टाइप का नहीं है, थोड़ा सिल्क टाइप का जो होता है ना कपड़ा, वैसा है, डोला सिल्क बोल सकते हैं। इसी में मेरे को रानी कलर का मिला है ब्लाउज। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे रानी कलर का ये जो है ये ब्लाउज का कपड़ा है। पता नहीं इस पे वर्क का क्या सीन है। वाह, ये पूरा ही वर्क है, मैं दिखाती हूँ आपको साड़ी कैसा है। तो ये साड़ी इस उसमें आया है कि मम्मी आई है तो साड़ी लेके आई है। ये ऐसा है इस साड़ी पे पूरा ब्लाउज। मम्मी, ऐसा टाइप का ब्लाउज है क्या आपके पास कोई है ना? आपके पास भी ऐसा ब्लाउज है ना कोई? तो ऐसा कोई ब्लाउज है और इसके साथ ये कॉम्बिनेशन में साड़ी है। तो देखते हैं कि इसको कब पहनते हैं। बहुत ही मौका है, करवा चौथ है, तीज है, गणेश चतुर्थी है जो कि हम लोग रखते हैं गणेश जी को, और बहुत सारा चीज़ है अभी। तो देखते हैं कब मौका मिलता है पहनने का। इसको भी पहले सेट कर देते हैं। और ये साड़ी डोला सिल्क है, ये मम्मी डोला सिल्क टाइप का है। कैमरा पे ही चल गया मेरा साड़ी। तो इस साड़ी को हम रख देते हैं सेट करके, इसको बहुत जल्दी सिलवा लेंगे और ये पहनेंगे। ये झूमर घंटी टाइप का बना हुआ है कुछ, अच्छा लगेगा। बाकी इस बार मैं इसी कलर का एक और कलर का चूड़ा को चूड़ी। हाँ ठीक है, इसमें तो आप चूड़ी दी है, लेकिन आगे पीछे रानी लगा देंगे इसमें, वेलवेट टाइप का रानी वाला, और ये लाह का लगा के ऐसे पहन लेंगे। करवा चौथ पे तो हम ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि रेड हो, लेकिन एकदम पूरा भरा पूरा नहीं, वो थोड़ा हल्का टाइप वाला। तो ये वाली साड़ी मिली है, इसके साथ पेटीकोट, और मम्मी जी ने खोइछा। तो ये खोइछा दिया जाता है अपनी ननद देवर इन लोगों को, यहाँ मतलब कि इसका पैसा निकाल के हम लोग दे सकते हैं। तो ये हम लड्डू को दे देंगे कुछ इसका खरीद के, मोई बोल रही है 90 रुपये। इसमें जीरा है, जीरा का खोइछा है, पोटली बना के, ये अच्छा सिस्टम है पोटली बना के देना। और इसके साथ ही बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कंघी मिल गया है। हमारे घर में मोस्टली ऐसी पिंक टाइप का, पिंक कलर का होता है, ऐसा नहीं, पिंक टाइप का होता है। तो ये वाला एक कोन है, वैसे ये देने लेने के काम में भी आ जाता है। बाकी यहाँ पर बिंदी है, और इसके साथ ही बिछुआ मिला है मुझे। तो बिछुआ मैं रखी हूँ, आपको शेयर करूँगी मैं बिछुआ नेक्स्ट व्लॉग में, तभी तो व्लॉग बढ़ेगा। एक में ही दिखा देंगे, वैसे ही हम भूल जाते हैं। और पीछे टिंग टिंग बज रहा है, तो लड्डू के पापा का ऑफिस गए थे, वो अभी आए हैं। इसमें तीन था क्या जी मम्मी? नहीं, चार होगा, तीन तीन दिख रहा है, तीन तीन है, नहीं छह होना चाहिए, चार प्लेन चूड़ियाँ।
नहीं नहीं हम अभी निकालें इसको पॉलिथीन से। अच्छा वीडियो में स्टार्टिंग में ही देख लेंगे, हम तीन ही है हमको लगता है, इधर पिंक लगाएंगे, इधर पिंक लगाएंगे, इधर पिंक लगाएंगे तो बहुत सुंदर लगेगा। मेरी बेटी देख रही है क्या है ये, क्या है ये, इसके लिए चूड़ी देख रहे थे कल हम तिरुपति से खरीदे थे, वही तो पहनी थी उतना दिन से, छोटा छोटा एकदम छोटा छोटा, उसका कलर पूरा उड़ गया ना तब निकाले हैं, ऐसे पहन के उसको ही देखती है, पापा को देखती है अपने। तो ये मुझे रिसीव हुआ है, रिसीव नहीं हुआ है यार, रिसीव रिसीव बोलने का आदत हो गया, ये मम्मी दी है। नेक्स्ट यहाँ पे एक साड़ी मुझे आया है ऑनलाइन, जो कि मैं आप लोग को दिखा देती हूँ, पता नहीं इसको मैं कब पहनूंगी, तीज पे पहनूंगी कि कब पहनूंगी। इसका ब्लाउज़ है ये जो आप लोग देख रहे हैं, साड़ी कुछ ऐसा है क्रीम टाइप का। तो ये साड़ी मैंने ऐसा सोचा है तीज पे नहीं हुआ तो करवा चौथ पे पहनेंगे, लेकिन थोड़ा ये प्यारा लगता है क्योंकि हम लाल चुन्नी भी लेते हैं ना, तो इस कलर पे लाल चुन्नी बहुत प्यारा लगेगा, है ना। ऑर्गेंजा टाइप का है ये साड़ी, बहुत ही प्यारा सा। पहले हम ये सब कलर नहीं पहनते थे जो स्किन को, मेरे को लगता था कि डार्क बनाएगा जैसे ये, बट ये अब मेरे को अच्छा लगने लग गया ये सब कलर, है ना। रेड ब्लाउज बहुत मस्त लगेगा, रेड ब्लाउज अच्छा लगेगा, लेकिन इसको भी बनवाने के बाद ना थोड़ा सा डिजाइनर टाइप का लुक आएगा। तो ये ऐसा इसका ब्लाउज है, इसके साथ में इसका पट्टा मिला है यहाँ पे, वैसे रेड वाला लुक आ ही जाएगा क्योंकि ब्लाउज ऐसे बना लो फिर यहाँ पे रेड है, बॉर्डर में रेड है, यहाँ पे ये रेड ही आएगा, ये रेड ही आएगा। इसके साथ अगर ज्वेलरी इस टाइप का पहनेंगे तो वो वैसे ही बहुत अच्छा आएगा, लेकिन मोस्टली हम तीज त्यौहार इन सब में गोल्ड पहनते हैं। तो इसका ब्लाउज कुछ ऐसा है, फुल ब्लाउज पे वर्क है, तो ऐसा है आगे पीछे बाजू सारा। तो ये देखते हैं हम तीज पे नहीं पहने तो करवा चौथ पे तो आप लोग को दिख ही जाएंगे, बट देखते हैं, तीज बहुत जल्दी है, सिलवाने देना पड़ेगा तभी मैं पहन पाऊंगी। और ये गोल्डन शेड में है, क्रीम गोल्डन शेड में है, है। तो ये साड़ी आप लोग को कैसी लगी आप लोग कमेंट करके बताइएगा, पास से कुछ ऐसी है और ये बॉर्डर ऐसे थोड़ा दुल्हन वाला लुक दे रहा है, बाकी ये गोल्डन टाइप की है तो पहनने के बाद सुंदर लगेगी, मुझे ऐसा लग रहा है। आप लोग अपनी राय ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको चाहिए तो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बता दूंगी कि ये कौन सी इंस्टाग्राम के पेज से मिली है मुझे, अगर नहीं चाहिए तो फिर तो मैं, वरना आप मेरे इंस्टाग्राम पे तो चेक कर ही ले सकते हैं, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है suchiPradeep_jaiswal। उसके ऐसे मुझे एक और साड़ी रिसीव हुआ है, ये भी मुझे एक पेज से रिसीव हुआ है, और ये भी साड़ी जो है ना वो हमेशा मतलब ऐसे डेली केयर करने के लिए, डेली वेयर करने के लिए आप पहन सकते हैं, इसका कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन दे सकते हैं। तो ये येलो, लेमन येलो टाइप है, अच्छा वीडियो में ना ये बहुत सुंदर सा आ रहा है, बट ऐसे सामने से मतलब वैसा मेरे को लग रहा था अलग ही डिज़ाइन, बट इसमें ऐसे लाइनिंग लाइनिंग टाइप का डिज़ाइन आ रहा है, और ब्लाउज उसका कुछ ऐसा है, तो ये ब्राउन मरून ऐसे बोल सकते हैं, ये भी पूरा वर्क वाला है, तो इसका जब ब्लाउज़ बनेगा ना ये स्लीव्स पे आएगा तो बहुत ही प्यारा लगेगा। बाकी देखते हैं इसको भी हम कब सिलवाते हैं, और अगर आप लोग को चाहिए ना तो ये इंस्टाग्राम पेज गर्ल्स फैशन स्टोर से मेरे को रिसीव हुआ है, आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि मैं अभी इंस्टाग्राम पे इसको डालूंगी भी। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइएगा कौन सी साड़ी आपको कैसी लगी। इसका जो फैब्रिक है ये जॉर्जेट टाइप का है, और ये आप हमेशा ही पहन सकते हो, मतलब कि घर में भी पहन के घूम सकते हो फिर सकते हो, जॉर्जेट टाइप का, ऐसा नहीं है कि आपको भारी लगेगा, और बहुत ही अच्छा, बोलते हैं ना एक मुट्ठी दो मुट्ठी वाला, अभी इसके अंदर पेपर है तो ये मुड़ नहीं रहा, वरना ऐसे ही है दो मुट्ठी का, एकदम अच्छा वाला साड़ी है, तो आप पहन सकते हैं। आप मेरी इंस्टाग्राम पेज चेक कर सकते हैं, इसके नीचे ना यहाँ पे बॉर्डर भी दिया हुआ है ये ऐसे कुछ। तो बाकी दैट्स इट, इसके बाद मेरे पास और भी बहुत सारी साड़ियाँ मम्मी के तरफ से आई हुई हैं, जो कि मैं लेके नहीं आई थी, तो मम्मी लेके आई हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, वो भी एक से बढ़ के एक साड़ी है। बाकी इस व्लॉग को करेंगे यहीं पर एंड, होपफुली अगर व्लॉग लंबा नहीं हुआ होगा तो आगे व्लॉग को कंटिन्यू करेंगे। बाय बाय, मिलते हैं बहुत जल्दी आगे व्लॉग में, आगे मिलते हैं।